हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप आज का टाइटल थंबनेल पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, आज हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट के ऊपर, जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन का, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे हुए हैं वो सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल से आज नए जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर दो, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वीडियोस रहेंगे उसका नोटिफिकेशन अपने फ़ोन पे सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है, द हेवीएस्ट आई सेक्शन फॉर सेम डेप्थ। तो अगर आपके आई सेक्शन का डेप्थ सपोज सेम है, जैसे कि हम 350 mm का आई सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो 350 mm का आई सेक्शन का अगर आपको डेप्थ यूज़ करने का है तो उसके लिए सबसे हेवियर सेक्शन कौन सा रहेगा? ISMB रहेगा, ISLB रहेगा, ISHB रहेगा या ISW भी रहेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ISHB। आपने अगर स्टील टेबल पढ़ा होगा ध्यान से तो उसमें आपको समझ गया होगा कि सबसे ज़्यादा वजन जो होता है वो होता है ISHB का, पर मीटर लेंथ के लिए। पर मीटर लेंथ के लिए अगर किसी सेक्शन का वेट सबसे ज़्यादा होता है तो वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम का। ISHB का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑन स्टील स्ट्रक्चर्स द डेड वेट इज द वेट ऑफ, तो स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर जो डेड लोड आता है, डेड लोड में कौन से मेंबर्स का लोड इंक्लूड होता है? स्टील वर्क का होता है, मटेरियल्स फासन टू स्टील वर्क, मटेरियल सपोर्टेड टू स्टील वर्क, ऑल दी अबो। तो इसमें आंसर रहेगा ऑल दी अबो। स्टील का खुद का वजन भी डेड लोड में आता, उसके बाद में जो मटेरियल से हम फासन करते हैं, फासन मतलब कनेक्शन करना, जैसे बोल्ट से करते, वेल्डिंग से करते, उसका जो लोड रहेगा वो भी डेड लोड में इंक्लूड रहेगा। और जिस मेंबर से हम अपने स्टील स्ट्रक्चर को सपोर्ट देते, जैसे आपके स्टील के मेंबर है या फिर सेंटरिंग है, फॉर्मवर्क है, जिससे भी आप आपके मेंबर को सपोर्ट दे रहे हैं उसका भी लोड डेड लोड के अंदर ही इंक्लूड होता है। ठीक है, ऑल द अबो आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेन इन स्टील एट यील्ड पॉइंट इज, यील्ड पॉइंट आपने पढ़ा होगा, यील्ड पॉइंट पे हमेशा स्ट्रेन कितना रहता है स्टील का? तो स्टील का स्ट्रेन यील्ड पॉइंट पे रहता है हमेशा 0.002। इसका करेक्ट आंसर है 0.002। आपको आंसर इसका जो नेक्स्ट पेज रहेगा उसमें आपको सारे आंसर्स लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, इसका आंसर है 0.002। यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेन की वैल्यू हमेशा स्टील की होती है 0.002। नेक्स्ट है, द लाइफ पीरियड ऑफ स्टील बिल्डिंग इज, मिनिमम लाइफ पीरियड होता है स्टील बिल्डिंग का वो होता है 50 ईयर्स का। कम से कम 50 साल तक हमारे स्टील बिल्डिंग का लाइफ होना चाहिए ऐसा मान के चलते हम लोग। तो मिनिमम लाइफ पीरियड जो होता है बिल्डिंग का वो होता है 50 ईयर्स का, स्टील बिल्डिंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज है, विच IS कोड इज यूज फॉर रोल्ड स्टील बीम्स चैनल्स एंड एंगल सेक्शन। मतलब स्टील स्ट्रक्चर में बीम के लिए, चैनल सेक्शन के लिए और एंगल सेक्शन के लिए हम कौन सा IS कोड यूज़ करते? तो ऑब्वियसली आपको यूज़ करना पड़ेगा IS 800 2007। 2007 उसका ईयर ऑफ पब्लिशमेंट है और 800 उसका कोड नंबर है। ठीक है, IS 800 यूज़ करते हैं हम लोग अलग अलग प्रकार के सेक्शंस के लिए, चाहे वो चैनल रहो, एंगल रहो या रोल स्टील बीम रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ अ स्टील मेंबर इज, स्टील मेंबर का मेन एडवांटेज क्या होता है? इट्स हाई स्ट्रेंथ, इट्स गैस एंड वाटर टाइटनेस, इट्स लॉन्ग सर्विस लाइफ, ऑल दी अबो। ऑल दी अबो आंसर इसका, सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है, सारे के सारे एडवांटेजेस हैं एक स्टील मेंबर के। ये सारे पॉइंट की वजह से हम स्टील यूज़ करते हैं एज अ मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। उसके बाद में है, रोल्ड स्टील बीम्स आर डिजिग्नेटेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड सीरीज एंड इट्स। अगर आपने स्टील टेबल पढ़ा होगा ध्यान से तो उसमें आप स्टील टेबल कभी निकालना बाहर, उसमें देखना सबसे पहले लिखा होता है IS, आपके सेक्शन का नाम, आपके रोल्ड स्टील सेक्शन का नाम। सपोज आपका सेक्शन है ISHB, तो ISHB 300, उसके बाद में लिखा रहेगा उसका वेट, उसके बाद में लिखा रहेगा उसका वेट और उसके बाद में लिखा रहेगा उसका डेप्थ। स्टील टेबल में जो सीक्वेंस है डिजिग्नेशन का, कोई भी सेक्शन का, किसी भी सेक्शन को डिजिग्नेट करने का जो सीक्वेंस है वो इस तरह से है, सबसे पहले सेक्शन का नाम, उसके बाद में उस सेक्शन का वेट और उसके बाद में उस सेक्शन का डेप्थ कितना रहता। तो जो भी रोल स्टील सेक्शन आपको स्टील टेबल में लिखे हुए मिलते हैं उसका डिजिग्नेशन किस तरह से होता है? सबसे पहले सेक्शन का नाम रहेगा, उसके बाद में वेट पर मीटर एंड डेप्थ ऑफ सेक्शन, सबसे पहले वेट लिखा रहेगा उसके बाद में सेक्शन का डेप्थ लिखा रहेगा। तो इसमें ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता, सी और डी तो है ही नहीं,
आप बच्चों को ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता कि सर पहले वेट रहता है डेप्थ रहता है, तो बता रहा हूँ मैं आपको, पहले वेट रहता है फिर डेप्थ रहता है। आपके पास में जो स्टील टेबल है वो लगे तो तुरंत लगा के देख लो, अभी आपको समझ जाएगा कि सबसे पहले उसका वेट लिखा रहता है और उसके बाद में उसका डेप्थ ऑफ सेक्शन लिखा रहता है, ठीक है। तो किसी भी रोल स्टील बीम को डिजिग्नेट करने का उसका तरीका होता है कि उसका पहले वेट कितना है वो लिखो और उसके बाद में उसकी डेप्थ कितनी है वो लिखो, ठीक है। ये देखो इसके सारे ऑप्शंस, ये जो 2 पेज थे 7 नंबर के क्वेश्चन तक के सारे ऑप्शंस के सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सब आपको आंसर मिल जाएंगे, देख लिए ये सब आंसर लिखे। पहले क्वेश्चन का आंसर था सी, बाद में डी, फिर सी 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 डी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। स्ट्रक्चरल मेंबर यूज मेनली फॉर कॉलम इज, कॉलम के लिए हम कौन से प्रकार का स्ट्रक्चरल मेंबर यूज करते हैं। तो कॉलम के लिए आप ISWB यूज करते हैं और ISHB यूज करते हैं। ISMB जो होता है ना बच्चों, वो मेनली हम बीम के लिए यूज करते हैं। ISMB जो होता है मेनली बीम के लिए होता है, क्योंकि ISMB का वजन थोड़ा हल्का होता है और बीम का जो लोड है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू कॉलम। बीम आर सब्जेक्टेड टू लाइटर लोड्स एज कम्पेयर टू कॉलम, कॉलम आर सब्जेक्टेड टू हेवियर लोड्स। तो हेवी लोड को सस्टेन करने के लिए सेक्शन भी हेवी होना चाहिए, तो ISWB और ISHB ये दो हेवी सेक्शन है, इसलिए इसका आंसर रहेगा बोथ बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन परसेंटेज इन स्टील इज, अब स्टील के अंदर कार्बन का परसेंट कितना होता है। तो स्टील में कार्बन का परसेंट होता है 0.23%। एक जनरल स्टील अगर कंसिडर करते हैं, माइल्ड स्टील वगैरह अपन, एक जनरल माइल्ड स्टील अपन कंसिडर करते हैं तो उसमें कार्बन का परसेंट होता है 0.23%। कास्ट आयरन स्टील के अंदर अंदर अलग होगा, वॉट आयरन के अंदर अलग होगा, अलग अलग टाइप के स्टील के अंदर अलग अलग परसेंट होगा, लेकिन माइल्ड स्टील के अंदर कार्बन का परसेंट होता है 0.23%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मटेरियल यूज टू अवॉइड करोजन विथ आयरन। अब अगर करोजन को अवॉइड करने का है हमारे स्टील के अंदर, तो आयरन के साथ में कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं। तो करोजन को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं क्रोमियम। करोजन को अवॉइड करने के लिए यूज करना पड़ता है हमें क्रोमियम। ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए निकाल के लाया हूँ, एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो मैं आपके लिए स्पेशल ढूंढ के लाया हूँ। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देना, ठीक है बच्चों। आपका बहुत बहुत इससे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, और सारी चीज़ें आपको फ्री मिली, चैनल के ऊपर फ्री मिलती है आपको, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इन फ्यूचर, तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहो, इसे सब्सक्राइब कर दो और इसके बेल आइकन को ऑन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बेंडिंग कॉम्प्रेशन इज टेकन एज, बेंडिंग कॉम्प्रेशन के लिए, मतलब जब कॉम्प्रेसिव फोर्स आता है एक आधे मेंबर के ऊपर और उससे क्या होता है मेंबर बेंड होता है, तो बेंडिंग होना नहीं चाहिए। बेंडिंग अवॉइड करने के लिए हम कॉम्प्रेशन लोड के लिए कम से कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना यूज करेंगे। कॉम्प्रेसिव लोड के लिए जो हमारे बेंडिंग को अवॉइड करेगा उसके लिए मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी वैल्यू कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 1.5। सिंपल आपको सबको पता होगा कि कोई भी लोड रहो, कॉम्प्रेसिव रहो टेंसाइल रहो, उस लोड के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू नेम भी ऑलवेज हम 1.5 ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट शुड नॉट बी लेस देन, गसेट प्लेट का कम से कम थिकनेस होना चाहिए बच्चों 10 mm। गसेट प्लेट का कम से कम थिकनेस 10 mm होना ही चाहिए। गसेट प्लेट मतलब ऐसा प्लेट होता है जब हम दो मेंबर को आपस में कनेक्ट करना होता है, जब हमको दो मेंबर को आपस में कनेक्ट करना होता है तब वहाँ जो थिकनेस, जब वहाँ जो प्लेट यूज करते हैं हम लोग उसे बोलते हैं गसेट प्लेट। टू कनेक्ट द टू मेंबर्स टूगेदर गसेट प्लेट इज यूज एंड द थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट शुड बी मिनिमम ऑफ 10 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, विच IS कोड इज यूज फॉर ए डिजाइन लोड इन स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर में लोड के लिए कौन से टाइप का IS कोड यूज करते हैं हम लोग, इसका आंसर है IS 875 1987। उसका ईयर ऑफ पब्लिशमेंट है और उस लोड के जो IS कोड है उसका नाम है IS 875, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, जो भी आप JEE लेवल के एग्जाम दे रहे होंगे बच्चों, जितने भी बच्चे अभी JEE लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे सिविल इंजीनियरिंग के, उनके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, ठीक है। इसका सब क्वेश्चन का आपको मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन का आंसर ये कैसे आया, सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन के आंसर का आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये बहुत बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग प्लीज़ आपके पास में नोटबुक रजिस्टर लेके बैठो ताकि आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लिखते आना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ फास्ट हो रहा होगा तो वीडियो को रिपीट में देखो, वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखो, रिपीट में देखो, पॉज करके देखो, ताकि आपको समझ में आए कि कौन से क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कैसा दिया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम आर डिनोटेड बाय ISWB। इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम को हम डिनोट करते हैं ISWB से, ठीक है। उसके बाद में है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल विथ पैरेलल फ्लेंज, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल विथ पैरेलल फ्लेंज को डिनोट करते हैं हम लोग ISMCP से, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल विथ पैरेलल फ्लेंज। पैरेलल फ्लेंज है ना, तो इसके लिए आपको सामने यूज करना है P, तो ISMCP। आप थोड़ा लॉजिकली भी
सोच सकते हैं कि इसका सिंबल क्या हो सकता है। ठीक है, एज पर आईएस रोल स्टील बीम्स आर क्लासिफाइड इन टू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो जो रोल स्टील आईएस कोड है उसके पांच कैटेगरी होते हैं। जो हमारे रोल स्टील सेक्शन के जो आईएस कोड अवेलेबल है वो पांच कैटेगरी में अवेलेबल है हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आईएस 800/1962 द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ स्टील पर डिग्री सेंटीग्रेड पर यूनिट लेंथ इज टेकन एज। ये आपने मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, मॉस ट्रॉस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि उसमें टेम्परेचर स्ट्रेस पढ़ा होगा आपने। टेम्परेचर स्ट्रेस, अगर आपने टेम्परेचर स्ट्रेस पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये आपको पता होगा कि कोइफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन या फिर कोइफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, जिसको सिंबल देते हैं अल्फा हम लोग, जिसका सिंबल होता है अल्फा, उसका वैल्यू होता है 0.00012 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो यूनिट होता है बच्चों वो होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसको आप बोल सकते हैं 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपने टेम्परेचर स्टेज के अंदर पढ़ा होगा। टेम्परेचर स्टेज अगर आपको निकालना है ना, उसके अंदर फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू टी इंटू ई। तो अल्फा का मीनिंग होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, इसका वैल्यू होता है ये सी 0.00012। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है मुझे, इसीलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझता नहीं है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछो। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन में डेफिनेटली सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, विच आईएस कोड इज यूज फॉर स्ट्रक्चरल स्टील स्टैंडर्ड क्वालिटी। एक आधे स्ट्रक्चरल स्टील का अगर उसमें हम स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्टील यूज कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्टील के लिए, मतलब इसका स्ट्रेंथ कम होता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी किसको बोलते हैं हम लोग, जिस स्टील का, जिस जो भी हम स्टील का बार यूज कर रहे हैं अगर उसका ग्रेड छोटा है, ग्रेड हल्का है तो उसका स्ट्रेंथ भी हल्का रहेगा। तो जिस स्टील का स्ट्रेंथ कम होता है उसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टील। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टील के लिए हम लोग यूज़ करते हैं IS-226। IS-226 को हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टील के लिए, और हम लोग यूज़ करते हैं IS-961 को हाई क्वालिटी स्टील के लिए। ये दो IS कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत कम जगह मिलने वाले हैं, ये स्पेशली आपके लिए बुक के अंदर से ढूंढ के लाया हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की किताब मिलने वाले नहीं है। जितने भी क्वेश्चन DSS से कवर करूंगा सब चैप्टर के ऊपर, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं कोई एग्जाम के बुक में, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है अगर आप लोग कोई भी JEE एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो ध्यान में रखो स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए यूज़ करना है आपको IS-226, और हाई क्वालिटी स्टील मतलब जिसका ग्रेड हाई रहेगा उसका स्ट्रेंथ भी हाई रहेगा। तो हाई स्ट्रेंथ स्टील अगर यूज़ करना है तो वो आपको मिलेंगे IS-961 में। ठीक है, ऑन स्टील स्ट्रक्चर्स लाइव लोड इज द वेट ऑफ। लाइव लोड मतलब किसका लोड होता है, लाइव लोड मतलब किसका लोड होता है, स्टील वर्क, मटेरियल्स फासन टू स्टील वर्क, सपोर्ट ऑफ स्टील वर्क, ह्यूमन बीइंग, मूवेबल इक्विपमेंट्स। तो जैसा कि इसका नाम है लाइव लोड, लाइव मतलब जीवंत लोड, जिंदा लोड। तो जिंदा लोड मतलब किसका होता है, ह्यूमन बींग का होता है और मूवेबल इक्विपमेंट का होता है। ह्यूमन बींग जिंदा होता है और मूवेबल इक्विपमेंट कैसे होते हैं कि जिस इक्विपमेंट को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं उसे बोलते हैं हम लोग लाइव इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट परमानेंटली एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं उसको बोलते हैं अपन डेड इक्विपमेंट। तो मूवेबल इक्विपमेंट और ह्यूमन बींग इनका लोड होता है लाइव लोड। ठीक है, विंड लोड एक्टिंग ऑन स्टील स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन। जो विंड लोड अपने स्टील पे अपने स्ट्रक्चर पे आता है तो विंड लोड कौन से पैरामीटर पे डिपेंड होता है, विंड प्रेशर, हाइट ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉक्सिमिटी टू अदर स्ट्रक्चर, बोथ बी एंड सी। वैसे तो इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट है, लेकिन अब ये ऑप्शन में से अगर चूज करना है तो अपन चूज करेंगे बोथ बी एंड सी को। विंड प्रेशर पे भी विंड लोड डिपेंड होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन ऐसे है नहीं बच्चों। तो ऐसा कभी होता है कि आपको लगता है कि तीनों ऑप्शन करेक्ट है लेकिन इसमें चौथा ऑप्शन ऑल द अबव नहीं है ना, तो अब ये तीन में से परफेक्ट दो कौन से है, ये तीन में से जो परफेक्ट दो वो चूज करना पड़ेगा आपको, या तीन में से परफेक्ट एक कौन सा वो चूज करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से दोनों परफेक्ट है, हाइट ऑफ स्ट्रक्चर और प्रॉक्सिमिटी टू अदर स्ट्रक्चर। प्रॉक्सिमिटी का मीनिंग क्या होता है, नियरनेस, मतलब आपके स्ट्रक्चर के आसपास के स्ट्रक्चर कैसे है। अगर आपके स्ट्रक्चर के बाजू में एक टॉल बिल्डिंग है तो ऑब्वियस ही है कि आपके बिल्डिंग के ऊपर विंड का अटैक होगा ही नहीं, क्योंकि वो टॉल बिल्डिंग के ऊपर पूरा विंड जाएगा। आपके स्ट्रक्चर के बिल्डिंग के बाजू में, आपके बिल्डिंग के बाजू में खाली एकदम शॉर्ट बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है उससे, तो ऑब्वियसली है कि आपके बिल्डिंग पे विंड अटैक करेगा। तो आपके बिल्डिंग के आसपास के स्ट्रक्चर कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके बिल्डिंग के ऊपर विंड फोर्स कितना अटैक करता है, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी टू अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, द स्ट्रक्चरल एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टील एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल। स्टील को एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल यूज करने का एडवांटेज क्या होता है,
तो इसका ऑप्शन है बच्चों स्पीड ऑफ इरेक्शन। स्क्रैप वैल्यू ये कोई एडवांटेज नहीं है, स्मॉल वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो ये कोई एडवांटेज नहीं है, स्पीड ऑफ डिसमेंटल बहुत जल्दी खोलते आते एडवांटेज नहीं है। जो एडवांटेज है वो है स्पीड ऑफ इरेक्शन, बहुत जल्दी जल्दी कनेक्शन करते आता, क्योंकि टाइम बचता अपना, जितना प्रोग्रेस ऑफ वर्क फास्ट रहेगा उतना आपको टाइम बचेगा। स्क्रैप वैल्यू मिल रही, आखिरी में बेचने के बाद पैसे मिलेंगे, ये विचार करके कोई अपन स्टील का बांध काम नहीं करते कि भाई अपने को जब स्टील का मटेरियल बेचना पड़ेगा तो पैसे मिलेंगे, ये सोच के अपन बांध काम नहीं करते। स्टील का बांध काम अपन ये सोच के करते कि अपने को जो अपना जो प्रोग्रेस है वर्क का वो फास्ट रहेगा, ताकि अपने को ये जो मैन पावर है ये दूसरे साइड पे अपने को वापस बेचते आता, तो प्रोग्रेस ऑफ वर्क फास्ट रहेगा ये सोच के अपन नॉर्मली स्टील स्ट्रक्चर का प्रेफरेंस करते। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का वैल्यू क्या होता है फॉर रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग, इसका आंसर है 1.10। इसका सिंबल होता है बच्चों गामा एम ओ। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का सिंबल होता है गामा, एम स्टैंड फॉर मटेरियल एंड ओ स्टैंड फॉर यील्डिंग, तो गामा एम ओ इसको डिनोट करते हैं हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग के लिए, और इसका वैल्यू होता है 1.1। नेक्स्ट है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर वेल्ड फैब्रिकेशन ऑन साइट। अगर आपको वेल्डिंग साइट पे करनी है, अगर आपको वेल्डिंग फैब्रिकेशन साइट पे करना है तो फील्ड पे करना है तो उसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है 1.5। अगर आपको वर्कशॉप में करना है तो उसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है 1.25, और अगर आपको साइट पे करना है तो उसका फैक्टर सेफ्टी होता है 1.5। ठीक है, द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर रेजिस्टेंस गवर्न बाय अल्टीमेट स्ट्रेस इज, इसका सिंबल होता है गामा एम वन। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर रेजिस्टेंस गवर्न बाय अल्टीमेट स्ट्रेस, इसका सिंबल होता है गामा एम वन, और इसका वैल्यू होता है 1.25। 1.25 इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एज पर IS 1893/2002 द फंडामेंटल नेचुरल पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय। ये जो IS कोड है, ये IS कोड है अर्थक्वेक का, सेस्मिक फोर्स का अर्थक्वेक का IS कोड का नाम रहता 1893/2002, और इसके अंदर से आपको पता चलता है कि फंडामेंटल नेचुरल पीरियड मतलब क्या होता है बच्चों। अर्थक्वेक आने के बाद में जितने सेकंड तक हमारा बिल्डिंग वाइब्रेट होता है, पहले जितने सेकंड तक, जो फर्स्ट एक दो सेकंड तक जब बिल्डिंग वाइब्रेट होता तो उस टाइम को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल नेचुरल पीरियड। अर्थक्वेक आने के बाद में जितने सेकंड तक हमारा बिल्डिंग वाइब्रेट होता है उस टाइम को बोलते हैं फंडामेंटल नेचुरल पीरियड, और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला है 0.075 इंटू एच टू दी पावर 0.75। डी ऑप्शन है बच्चों इसका, फंडामेंटल नेचुरल पीरियड का फॉर्मूला होता है 0.075 इंटू एच टू दी पावर 0.75। इसमें एच मतलब क्या देंगे आपके बिल्डिंग का हाइट, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखने वाला हूँ मैं, सिर्फ 27 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के और सेकंड चैप्टर के भी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये जो सीरीज है DSS के MCQ का ये हमारा कंटिन्यू रहने वाला है लास्ट चैप्टर तक के, तो आज के वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना, इसलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है एज पर IS व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर कम्युनिटी एंड इमरजेंसी बिल्डिंग। कम्युनिटी और इमरजेंसी बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंस फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है 1.5। कम्युनिटी और इमरजेंसी बिल्डिंग के लिए होता है 1.5, और बाकी जितने बिल्डिंग्स है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, इनके लिए होता है 1, इनके लिए होता है सिर्फ 1। ऑल अदर टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के लिए होता है 1, और सिर्फ कम्युनिटी और इमरजेंसी बिल्डिंग के लिए होता है 1.5। ठीक है, तो आज हमने लगभग 27 क्वेश्चन देखे फर्स्ट चैप्टर के ऊपर से। ये क्वेश्चन में से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर के ऊपर से कोई भी जेई एग्जाम में पूछने ही वाले हैं। तो ये वीडियो को आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को प्लीज़ जाने से पहले लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।